राजस्थान सरकार ने 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी के अवसर पर सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार अनिवार्य रूप से करवाए जाने का निर्देश जारी किया था। इसके बाद जमीयत उलेमा ए राजस्थान की वर्किंग कमेटी का बड़ा फैसला सामने आया। जमीयत उलेमा ने मुसलमानों से अपील की कि वो 15 फरवरी को स्कूल में सूर्य नमस्कार की अनिवार्यता के मद्देनजर अपने बच्चों को स्कूल में ना भेजें। अब इस मामले पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी प्रतिक्रिया दी। इस बीच जमीयत उलेमा ए हिंद सहित अन्य मुस्लिम संगठनों ने राजस्थान उच्च न्यायालय में एक संयुक्त याचिका दायर की है, जिसमें 15 फरवरी के कार्यक्रम को रद्द करने और स्कूल में सूर्य नमस्कार को अनिवार्य करने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। जमीयत उलेमा हिंद की ओर से कोर्ट में वकील जहूर नकवी पेश हुए। कोर्ट के मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी सुनवाई की तारीख 14 फरवरी तय की गई। जयपुर में हुई बैठक में जमीयत उलेमा की राज्य कार्यकारिणी की स्पष्ट किया कि बहुसंख्यक हिंदू समाज में सूर्य की भगवान देवता के रूप में पूजा की जाती है। इस अभ्यास में बोले जाने वाले श्लोक और प्रमाणासन और अष्टांगा नमस्कार इत्यादि क्रियाएं एक पूजा का रूप है और इस्लाम धर्म में अल्लाह के सिवा किसी अन्य की पूजा अस्वीकार्य है।